मैं तुसां जो परमेश्वर दे बारे च एक कथा सुणांदा जिहड़ी कि सारे संसारे दियां लोकां दा जीवन बदलादी है। इह देई कथा नहीं है जिसा जो कुन्नी बनाया है, इह पवित्र शास्त्र ते है जिहड़ी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वाणी है। इसी ताई इह सच्ची कने विश्वास जोगी है। इक ही परमेश्वर हन कने सह परम प्रधान परमेश्वर हन। परम प्रधान परमेश्वर कुछ भी माणुए आत्मा धार्मिक गुरु सरकारा जा देवते दे ज्यादा समर्थी हन जिसकी लोग आराधना करते हैं। शुरुआत च तीन का ही वजूद था। शुरुआत च पहले तीन दे वजूद दे सिवाए कुछ भी नहीं था। जालू परमेश्वर हरेक चीज़ा की रचना करना लगे तो सह सिर्फ बोलते ही थे कने सब किछ वजूद च आई गया। परमेश्वरें धरतिया कने स्वर्गे च सब किछ बनाया। स्वर्गे च तिना दी आराधना कने सेवा करने ताई तिना स्वर्गदूतां जो बनाया कने तिना सब किछ बनाया जिस जो असां दिखी सकदे हन। सूरज चांद तारे धरती सारे पेड़ पौधे कने जानवर कने आखरे च तिना माणू कने जनासा जो अपने ही गुण कने स्वभावे च बनाया। जालू परमेश्वरें सब किछ बनाया था तो तिना गलाया सचमुच ये बड़ा बढ़िया है। परमेश्वरें माणु कने जनासा जो रहने ताई एक छैल बाग दिता। हर रोज से सोगी सोगी घूमते थे कने तिना दा रिश्ता परमेश्वर ने कने इक्की दूजे ने बहुत ही नौखा था। परमेश्वरें तिना जो गलाया कि सह बागे की दिखवाल करन कने हरेक चीज़ा का लुफ्त चुकन। तिना जो एक खास हुक्म दित्या गया, तिना जो गलाया कि तुसा बागे दे कुसी भी रुखे दा फल खाई सकदे हन, सिर्फ एक रुख जेड़ा कि बागे बीच है तिसदा फल तुसा नहीं खाई सकदे हन। जे तुसा तिसदे फले जो खांदे हन तो तुसा मरी जाना है। माणु कने जनासा दा रिश्ता परमेश्वरे कने इक्की दूजे ने बहुत बढ़िया था। परमेश्वरें असा जो इसी ताई बनाया कि असा दिया बदिया रिश्ता तिना ना कने आपू च इक्की दूजे ने रखी सकन। माणुओं कने जनासा दा रिश्ता परमेश्वरी कने इक्की दूजे ने नोखा ही था। अपर क्या तुसां जो आद है सह स्वर्गदूत जेड़े परमेश्वरें बनाए थे तिना च एक स्वर्गदूत घमंडी हो गया। सह परमेश्वरे साई ही होना चाहता था कने दूजे स्वर्गदूतों ते परमेश्वरी दी जगह अपनी आराधना करवाना चाहता था। अपर एक ही परमेश्वर हन जिन्हां दी आराधना करनी चाहीदी है। इसी ताई परमेश्वरें तिस हुक्म नहीं मनने वाले स्वर्गदूते जो स्वर्ग ते कढ़ी दिता कने असा ती स्वर्गदूते जो सतान गलांदे हन। परमेश्वरें तिना स्वर्गदूतों जो भी स्वर्गे ते कढ़ी दिता जेड़े तिस दे पिछे चलते थे सह बुरियां दुष्टात्मा थीं। एक दिन सताने जनासा जो तिस रुखे दे फले खाने ताई भरमाया जिस खाने ताई मना किते गया था। तिन्नी तिसा ते पुछया क्या परमेश्वरें सचमुच तुसा जो गलाया कि तुसा बागे दे कुसी भी रुखे दे फले जो नहीं खाई सकते हन। ता जनासें गलाया नहीं, असा कुसी भी रुखे दे फले खाई सकते हन, सिर्फ उस रुखे जो छड़ी ने जेड़ा बागे विच है। जे असा इस जो खांगे जा इस जो छूंगे ता असा मरी जाना है। अपर सताने तिसा जो दस्या ओए तुसा नहीं मरना बल्कि तुसा परमेश्वरे साई होई जाना। जनासें सताने दी गल सुनी कने फल जो खाई लिया कने तिने घरे वाले जो भी दिता कने तिन्नी भी खाई लिया। तिस दिने तिना दूई पाप करी दिता। दिखा जालू भी असा परमेश्वर दे हुक्में जो नहीं मनते हन तो सह पाप हुंदा है। परमेश्वर धर्मी कने पवित्र हन, सह असा जो पक्का दंड दिंदे हन जालू असा तिना दिया हुक्मा जो तोड़दे हन। ता परमेश्वर माणु कने जनासा जो बागे ते कढ़ी दिता कने तिना दा परमेश्वरे ने मेसा ताई रिश्ता टूटी गया। तिस माणुए कने जनासा साई असा सारे पाप कित्या है। असा
दा परमेश्वरे ने रिश्ता टूटी गया है कने पापे दा नतीजा नरके च मेसा दा दंड है। असा मेसा ताई परमेश्वरे सोगी जींदे नहीं रही सकते जियां असा जो बनाया गया था। हुण क्या कित्या जाई सकदा है? वक्त बीतता गया कने धरती पर लोगों की तादाद बढ़ती गई। हालांकि तिना सारिया पाप किया तभी परमेश्वर तिना ने बहुत प्यार करते थे कने तिना ने रिश्ता सुधारना चाहते थे। तो परमेश्वरें अपने इक्की सेवके के जरिए लोगों जो हुक्म दिते ये याद रखा भी परमेश्वर सिद्ध कने पवित्र हैं तो तिना की हजूरी च रहने ताई असां जो भी पवित्र कने सिद्ध बनना है। दसा हुक्मां लोगों जो सिखाया कि सब परमेश्वरी कने इक्की दूजे ने सही तरीके कियां रही सकते हैं। तिना च कुछ हुक्म ये थे, बुत बनाई ने पूजा मत करा, न मूर्तियां बना, अपने माँ प्यो का आदर करा, झूठ मत गला, चोरी मत करा, खून मत करा, दूजे दिया चीज़ा दा लालच मत करा, व्यवचार मत करा। अपर इन सारे हुक्म दा सही तरीके ने पालन करने जोगा कोई भी नहीं था। हर बरी जालू भी सह पाप करते थे ता परमेश्वर ने तिना जो तिना दिया पापा जो कबूल करना दिता कने एक बलिदान चढ़ाना दिता जेड़ा कि तिना दिया जगह दंड ले लै। ये बलिदान एक सही जानवर दे खून बहने ते ही पूरा हुंदा था। जालू सह इसा बलिया जो चढ़ाते थे तो सह परमेश्वर ते बिनती करते थे कि सह तिना जो माफ करी देन कने ये जानवर तिना दिया जगह मरना देन। सिर्फ लहूए दे जरिए ही कुसी माणुआं दे पाप माफ हो सकते हैं। इयां वक्त बीतता गया अपर सह दिले ते अपने पापा ताए माफी नहीं मंगते थे कने ये बली देना तिना दी एक खास खाली रुआज ही बनी गई। तब परमेश्वरे गलाया बहुत हो गया तुसां दियां ये खाली बलियां। जानवरां दे बली करने कने इना नता नियमां मनने ते लोकां जो एहसास होया कि अपनियां कोशिशां ते सब परमेश्वर दे नेड़े जाने जोगी नहीं हन। तां क्या कीता जाई सकदा है? परमेश्वर ता भी इस संसारे दियां लोकां ने बहुत प्यार करदे हन। इसी ताई एकदम सही बक्ते पर परमेश्वरे ईशु जो घल्या कि सह लोकां जो दसन कि सह लोक पिता परमेश्वर ने अपना रिश्ता भीरी ते कियां जोड़ी सकते हन। ईशु कौन हन? ईशु परमेश्वर दे इकलौते पुत्र हन। ईशु एक अद्भुत सच्चे गुरु थे। लोकां जो तिन्हां दे उपदेश सुनना बड़े बढ़िया लगते थे कजो कि सह सिखाते थे कि असा परमेश्वर नेड़े कियां हटी आई सकते हैं। ईशु एक शक्तिशाली चमत्कार करने वाले भी थे। एक दिन बहुत सारे लोग पूरा दिन ईशु के उपदेश सुनने ताई आए तो लोगों जो भुख लगी थी तो ईशु पंज रोटियां कने दो मच्छियां लईयां कने प्रार्थना करी शीश दित्ती कने लोगों जो बंडने ताई दित्तियां। तिस दिने 5,000 ते ज्यादा लोकां रज्जी ने खादा। ईशु दी समर्थ असां दियां जरूरतां पूरियां करदी है। एक होर बरी ईशु किश्तीय च इक्की बड़िया झीला ते पार चले। तिना सोगी चेले भी थे। जालू ईशु किश्तीय च सुते थे तो एक बड़ा जरखाट चलिया तो ईशु दे चेलिया तिना जो जगाया कने गलाया गुरु जी असा मरने वाले हन। तो ईशु खड़ोई है कने हुआ कने लहरां जो गलाया चुप शांत होई जा। तो एकदम तूफान बरखा रुकी गई। ईशु दी समर्थ इस रचे हुए संसारे ते महान है।
जालू ईसू झीला ते पार पुजे तां सह इक्की देह हिंसक माणुआं ने मिले जिहड़ा कबरां विच ही रहिंदा था। तिस जो मतियां दुष्टात्मा चिमड़ियां थीं कने सह बहुत ही खतरनाक था। जालू ईसू तिस जो दिखिया तां तिस पर तरस खादा, एतु तिकर भई तिस जो भी प्यार किता। तिन्हां दुष्टात्मा जो बोलिया, निकली जा। तां सह दुष्ट आत्मा तिस माणुए जो इकदम छड्डी ने निकली गईयां कने सह माणु अपनिया सुधा बुद्धा च आई आ। ईसू दी समर्थ दुष्ट आत्मा ते महान है। एक होर दिन ईसू दा एक खास मित्र बीमार होया कने मरी गया। कुछ दिन बाद ईसू अपने मित्र दी कबरा वाली गुफा पर आए। जालू तिना सह जगह दिखी जिथू तिन दे मित्रे जो दफनाया, ता ईसू रोना लगे। ता ईसू गुफा सामने गए कने गलाया, मित्रा बाहर आई जा। ता सह कबरा ते बाहर जिंदा हुई निकली आया। ईसू दी सामर्थ मोती ते भी महान है। ईसू ये सारिया गल्लां इस ताई कीतियां कजो कि सह असां ने प्यार करदे हन। सह चाहते हैं कि असां सारे परमेसरे वाला वापस आई जान। ईशु परमेसरे दे पुत्र हन कने समर्थी चमत्कार करने वाले कने एक नोखे गुरु हन कने जितने लोकां इस धरती पर जीवन जीता तिन्हां च सिर्फ ईशु ही हन जिन्हां कदी पाप नहीं किता। मात्र सही थे जिन्हां जो पाप ते दंड दी सजा जोगी नहीं समझिया गया। बहुत सारे लोग ईशु ने प्यार करते थे, अपर कुछ धर्म गुरु ईसु ने नफरत करते थे। तिना ईसु जो गिरफ्तार करवाया, तिना जो महासभा च लई गए कने जानी ते मारी देने दा फैसला किता। तिना ईसु जो एक बहुत बड़े क्रूसे पर लटकाई दिता। तिना दे हत्थां पैरां च कीलां ठोकी दित्तियां। जियां ही तिना जो क्रूसे पर लटकाया तां तिना दा कीमती लहू जमीना च पौना लगा। ईसु जोरें गलाया, खत्म होई गया। ईसु आखरी कने सिद्ध बलिदान बने। परमेश्वर असा ने प्यार करदे हन कने तिना ईसु जो असा दिया जगह मरना दिता। ईसु असा दिया पापा दी सजा ले लई। लव नहीं असा दे पाप माफ हो सकते हन, कुसी जो असा दिया गना दी कीमत चकाना पई। ईसु दे तिस दिने मरने ते बाद तिन्हां दे मित्रां तिन्हां दे शरीरे जो हफाजता ने कबरा च रखी दिता। अपर कथा इत्थों ही खत्म नहीं हुंदी है। मरी जाने दे तिन्हां दिनां बाद ईसु जिंदे हुई है कने बहुत सारे दिनां तिकर सह दर्शन दे ने दसदे रहे कि सह जिंदे हुई गए हन। तिन्हां सिद्ध किता कि सह परमेश्वर दे पुत्र हन कने फिर सह परमेश्वरे वाला स्वर्ग जो हटी है। प्रभु येसु असां दी सजा अपू उपर ले लई कने असां जो एक रस्ता दित्या है जिसते असां परमेश्वरे नेडे जाई सकन। सिर्फ सही असां जो परमेश्वरे नेडे हटी जाने दा रस्ता दसी सकदे हन। जालू ईशु इस धरती पर थे तिना एक कहानी सुनाई। इक्की जवान माणुए अपने पिता ने गलाया कि जायदाता दा मेरा हिस्सा मिंजो दे दिया। ता सह माणु हिस्सा लेने दूर देसे जो चला गया कने सारे पैसे गलत कम्मा च डुआ दिते। जालू तिस बला सब कुछ खत्म होई गया ता तिनी सारे ते छोटी मजदूरी करी ली अनकी सूरा जो खाना खुआना। एक दिन तिस दियां हाखी खुलियां। तिनी सोचिया कि मेरे पिता वाला कितने मजदूर हन जिन्हां वाला खाने ताई पेट भरीने है कने मैं इथू भुखा मरदा है। मैं अपने पिता वाला वापस जाना कने गलाना
पिता जी, मैं स्वर्ग कने तुसां दे बरखलाफ पाप कित्या है। मैं हुण तुसां दा पुत्र कलवाने जोगा भी नहीं है। मेहरबानी करी ने मिंजो एक मजदूर ही रखी लिया। तसै उठ्या कने अपने पिता वाला चली पिया। अपर सह हालू दूर ही था तो तिस दे पिता ने तिस जो दिखया कने तिस पर तरस खादा। सह अपने पुत्रे वाला गया कने तिस जो गले लगाई लिया कने पुक्का लिया। पुत्रे अपने पिता ने गलाया, पिता जी मैं स्वर्ग कने तुसां दे बरखलाफ पाप कित्या है। मैं हुण तुसां दा पुत्र कलवाने जोगा भी नहीं है। अपर पिता होरां अपने नौकरां जो गलाया, झट जा कने इस ताई बढ़िया कपड़े लियाई ने पनाई दिया। इस दे हाथे च गुठी पना कने पैरां ताई चप्पल दिया। ओआ अज असा धाम दिंदे कने खुशी मनांदे कजो कि मेरा पुत्र भटकी गया था कने हुण मिली गया। असा सारे ही इस जवान पुत्रे साई हन। सारे ही पाप कित्या कने असा पिता परमेश्वर ते दूर होई गया वन। अपर इस पुत्रे साई असा वापस परमेश्वर भला आई सकते हन। असा जो अपने पापा ताई माफी मंगना चाहिंदी है कने सह जीवन पाने ताई परमेश्वर नेडे हटी होना जेड़ा कि सह तिन्हां दे बच्चे होने दे नाते असा ते चाहते हन। प्रभु येसु गलाया, रस्ता सच्चाई कने जीवन मैं ही है। मेरे बगैर कोई पिता परमेश्वर नेड़े नहीं जाई सकता है। तुसा क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु तुसा जो परमेश्वर नेड़े वापस ले चलन? सिर्फ प्रभु यीशु ही असां जो वापस परमेश्वर वाला ले जाई सकते हैं। परमेश्वर नेड़े हटी जाने ताई तुसां जो ये कबूल करना पौना कि तुसां तिन्हां दे बरखलाफ पाप कित्या है। तुसां जो विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु तुसां दे पापां ताई मरी गया है कने तुसां दा दंड तिन्हां आपूं पर ले लिया कने परमेश्वर ते पुछा कि सह तुसां जो माफ करन। तुसां जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखना पौना कि तिन्हां तुसां जो टाई लई जाना कने परमेश्वर दे बच्चे होने दे नाते तुसां जो अनंत जीवन देना है। इस ताई प्रभु यीशु जो अपना मालक मनी ने तुसां जो तिन्हां दे रस्ते चलना पौना। पवित्र शास्त्र च लिखिया है, परमेश्वरें संसारे दियां सारियां लोकां ने दया प्यार किता कि तिन्हां अपना इकलौता पुत्र दे दिता जेड़ा कोई तिस पुत्रे पर पूरा विश्वास करगा तिसदा नाश नहीं होना बल्कि तिस जो अनंत जीवन मिलना है। तुसा परमेश्वर वाला जाई सकते हन जियां तिन्नी जवान माणुए किता। सह अपने पिता नेड़े हटी आया कुछ इयां गलांदे होए, परमेश्वर मैं जानदा कि तुसा मिंजो ने प्यार करदे हन। मैं तुसा दे बरखलाफ पाप कित्या है कने मैं माफी चाहता है। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि तिन्हां अपने बलिदान दे जरिए मेरा दंड ले लिया। परमेश्वर मेहरबानी करी ने मिंजो माफ करी दिया। हुणे ते लई ने मेसा तिकर मैं कबूल करदा कि यीशु जो अपना प्रभु मन्नी ने तिन्हां दियां हुक्मां जो मनगा, मिंजो अपना बच्चा मन्नी ने अनंत जीवन देने ताई तुसां दा धन्यवाद। तुसा हुण इसी वक्तें तिन्हां जो पुकारा। जे तुसा सचमुच परमेश्वरे जो पुकारदे हन तां हुण तुसा मेसा ताई परमेश्वर दे बच्चे हन। परमेश्वर चाहते हन कि तुसा दूजे जो भी दसन कि तुसा तिन्हां दे बच्चे हन। परमेश्वर दी योजना सिर्फ तुसा जो सिर्फ ढाई लई आने दी नहीं है बल्कि तुसा दे जरिए तुसा दे मित्रां टबरां जो लई आने दी है तां जे तिन्हां दा रिश्ता इक्की दूजे कने परमेश्वर ने सुधरी जाए। तुसा कुछ जो जानते हन जिस जो ये कहानी सुनने की जरूरत है।